जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मीरा बाबा के हुक्म से उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमें जितना जल्दी हो सके घर से बाहर कर देनी चाहिए। समय पर अगर वह चीजें घर से बाहर नहीं की गई तो घर से गरीबी, बेबरकती, दुख, परेशानी, बीमारी कभी नहीं जाएगी। प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मीरा बाबा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। प्यारे दोस्तों, अगर आप मीरा बाबा जी को मानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं तो उन्हीं के हुक्म से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हमारे घर में रहती हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि वो चीजें हमारे काम की है भी या नहीं, और इन चीजों से हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें अपने घर में हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज हमारे काम की है या नहीं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते तो हमारे घर में खुशियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। इसलिए इन चीजों को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बातें होती तो छोटी हैं, पर काम की बहुत होती हैं। सदियों से, बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग भी इन बातों को मानते थे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उन चीजों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें हमें अपने घर से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे पहले हम घर के मुख्य दरवाजे से ही शुरू कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू लगाकर घर का सारा कचरा घर के मुख्य द्वार पर लाकर छोड़ देते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती आप कभी ना करें। जब सकारात्मक ऊर्जा, मीरा बाबा की शक्तियाँ या बाबा के मुलाजिम माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी तो वह मुख्य दरवाजे से ही आएंगी। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर कूड़ा, कचरा, झाड़ू कभी ना रखें। वहाँ रखें जहाँ हमारी निगाह ना पड़ सके। जब भी घर में साफ सफाई करनी हो तभी झाड़ू को निकालें। इससे अगली बात दोस्तों, अगर आप घर में मीरा बाबा का या किसी भी देवी या देवता या पीर बाबा का चिराग करते हैं, दिया जलाते हैं, उनकी धूप बत्ती करते हैं, तो घर में टूटा हुआ, चटका हुआ चिराग, दिया कभी ना रखें। ये भी अशुभ होता है। टूटा हुआ दिया, चिराग भी घर में बेबरकती लाता है, घर के कामों को बनने नहीं देता, देर में काम बनते हैं। मीरा बाबा चिराग में ही विराजमान होते हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं। इसलिए घर में टूटा हुआ चिराग ना रखें। अगर चिराग टूट जाए या चटक जाए या ज्यादा पुराना हो जाए तो बहते पानी में उन्हें बहा दें। इससे अगली बात दोस्तों, आपके घर में दीवार पर टकी हुई घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर दीवार पर टकी घड़ी बंद है, अगर वह खराब है तो जल्द से जल्द उसे घर से बाहर निकाले। अगर सही है तो उसमें तुरंत ही नया सेल डालकर उसे चालू करे। कहने का मतलब, बंद घड़ी घर में कभी नहीं होना चाहिए। ये बंद घड़ी हमारे अच्छे समय को भी रोक देती है, हमारे बरकतों को रोक देती है, घर में पैसा आना रोक देती है। जो काम हमारा सही समय पर होना चाहिए वह लेट होता है, बहुत समय लग जाता है। इसलिए खराब घड़ी या बंद घड़ी में घर में कभी ना रखें। अगली बात दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा रखा हुआ है, उसे भी आप अपने घर में कभी ना रखें। इससे भी घर में बेबरकती आती है, पैसा आना घर में बंद हो जाता है। टूटा हुआ शीशा घर में रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर घर में बड़ा या छोटा टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत ही बाहर निकाल दे, तभी घर में खुशियां बरकत आएंगी। इससे अगली बात दोस्तों, गले फटे या खराब नोट घर में कभी ना रखें। इससे भी पैसे आने में दिक्कत होती है, पैसा बढ़ता नहीं है। अगर आपके पास फटे पुराने खराब नोट हैं तो तुरंत ही उन्हें घर से बाहर करें। फटे खराब नोट घर में रखना सही नहीं होता, ये नए नोटों को आने से रोकते हैं। इससे भी बेबरकती आती है, इस बात का भी खास ख्याल रखें। इसके साथ ही टूटे फटे जूते चप्पल घर में कभी ना रखें, और ये अच्छा समय आने में रुकावटें पैदा करते हैं। इन्हें सही कराकर इस्तेमाल करें, या अगर बुरी हालत में है तो तुरंत ही इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ये भी घर में होना अच्छी बात नहीं है। ये बातें छोटी लगती होंगी, इन पर कभी ध्यान नहीं देते। इनकी वजह से ही कई बार घर में गरीबी, दुख, परेशानी, बीमारी घर से नहीं
यकीनन हमारे बाबा जी जल्द ही बरकतों खुशियों का समय जल्द ही आपके घर पे लाएंगे। रुपया पैसा घर में आएगा, खुशियाँ आएंगी, हमारे मीरा बाबा हमारे देवी देवता घर में आते जाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बात का आप खास ख्याल रखें, अपने घर की सफाई हमेशा करते रहें। आलकस नहीं करें कि आज नहीं कल कर लेंगे, जिससे घर में कूड़ा कचरा जमा हो जाए, ऐसा कभी ना होने दें। क्योंकि हमारे जो घर के देवी देवता हैं, हमारे मीरा बाबा का, हमारे कुल देवता, हमारी माता लक्ष्मी का कोई पता नहीं कब हमारे घर में आ जाए, कब हमारे घर में फेरा डाल दे, पहरा कर दे। इसलिए अपने घर को, खासकर जहाँ पर आप अपने देवी देवताओं, अपने मीरा बाबा की पूजा करते हैं, उनका चिराग करते हैं, उस जगह की खास सफाई रखें। क्योंकि हमारे बाबा माता लक्ष्मी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए घर की और पूजा स्थान की सफाई हर रोज करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आज से ही आप अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दें, और घर में टूटी हुई चप्पल, शीशा, बंद घड़ी, फटे हुए नोट और मुख्य दरवाजे पर कूड़ा कचरा झाड़ू कभी ना रखें। यकीनन हमारे मीरा बाबा माता लक्ष्मी, मीरा बाबा अमरोहा वाले आपके घर में जरूर आएंगे, और घर में भी बरकत जरूर आएगी, रुपया पैसा आएगा, बीमारी परेशानी गुर्बत दूर हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें, आपके मीरा बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बोल मीरा बाबा की जय। प्यारे दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मीरा बाबा से जुड़ी हुई शॉर्ट रील्स मैं इंस्टा आईडी पर डालता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च करके मीरा बाबा सच्ची सरकार पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की एक खूबसूरत वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, मीरा बाबा के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मीरा साहब, जैन कबीर, माता रानी से जुड़ी हुई हर वीडियो समय रहते आप तक पहुंचती रहे। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, मीरा बाबा हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।